हाय फ्रेंड्स, मैं राज भी स्वागत करता हूँ हमारे इस ऐप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एमएक्स प्लस सबसे फेमस वीडियो प्लेयर है, तो आप किसे किस प्रकार यूज करते हैं? ज्यादा से ज्यादा उसका आप ब्राइटनेस एडजस्ट करते हैं, वॉल्यूम एडजस्ट करते हैं, या फिर वीडियो को जूम करते हैं। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाले एमएक्स प्लेयर के 10 हिडन फीचर्स के बारे में, जिनको अप्लाई करके आप एमएक्स प्लेयर का टोटल मजा ले सकते हैं। तो ज्यादा समय लेते हुए सीधे पॉइंट पाते हैं। दोस्तों, सारे हिडन फीचर्स बताने से पहले मैं बता दूं कि अगर कोई आप गलती से मिस्टेक कर देते हैं या फिर आप कोई और ऑप्शन क्लिक कर देते हैं, आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में यहां से और जनरल में जाएंगे। आप जनरल का ऑप्शन देख सकते हैं, यहां पे मैंने क्लिक किया और उसमें ढूंढेंगे हम रिसेट सेटिंग का ऑप्शन। तो रिसेट सेटिंग कहाँ है, ये यहाँ रहा, तो इसको हम ओके करते हैं और फिर ओके ओके। तो फिर इसको मैं ओपन करके दिखा दूँ तो आपको क्या मिलेगा, जैसा कि इंस्टॉल करने के बाद मिलता है सब कुछ नया नया। तो आप कर सकते हैं, आप चलते हैं एक एक हिडन फीचर्स के देख लेते हैं। पहले हिडन फीचर्स के अप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि आपको कोई मनपसंद वीडियो है और सोचते हैं इस वीडियो का मैं ऑडियो सुन सकूं, कैसे? तो मैं यहाँ दिखा दूं डेमो करके। मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा एक वीडियो, पहले मैं उस वीडियो को पुश करूंगा, आप देख सकते हैं वीडियो चल रहा है, मैं पुश करता हूं। फिर उसके बाद प्ले नहीं करेंगे, प्ले वाले की पर ही हम टैप करेंगे कुछ समय तक। जैसे मैं करके दिखा दूं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है। मैं सुना दूं आपको, सुन सकते हैं आप बैकग्राउंड में जो है म्यूजिक बजने लगा। इसको बंद करने के लिए कोई और वीडियो स्टार्ट कर देंगे या फिर उसी वीडियो में जाएंगे हम, और यहाँ पर देख सकते हैं एक दिया गया है हेडफोन का सिंबल, तो आप देख सकते हैं उसको हम टैप कर देंगे और यहाँ से निकल लेते हैं। तो आप भी कर सकते हैं। दूसरा हिडन फीचर्स को अप्लाई करने पर आपको रीनेम और डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और उस दोस्त का आपने कोई फनी मोमेंट वीडियो बनाकर रख लिया है और वो दोस्त किसी तरह आपका डिवाइस पा चुका है और मिटाना चाहता है अपने उस वीडियो को, तो इसे अप्लाई करने पर वो मिटा नहीं सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेटिंग में, फिर वहां से जाएंगे हम जनरल में। यहाँ पर देख सकते हैं अलाउ एडिटिंग और डिलीट सबटाइटल फाइल्स टुगेदर, यहाँ पर देख सकते हैं दो ऑप्शन है, इसे हम बंद कर देंगे तो वो नहीं मिटा सकता। तो मैं दिखा दूं यहाँ से, जैसे मैं यहाँ टैप करता हूँ वीडियो डर नाम के एक फाइल पर, आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं आता है रीनेम और डिलीट का। मैं दिखा दूं तो कर सकते हैं। तीसरा हिडन फीचर को अप्लाई करने से आप अपने किसी वीडियो या फिर फोल्डर को हाइड कर सकते हैं। दोस्तों, फोल्डर को हाइड करना बहुत ही सिंपल है, सिंपली आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे, उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, हाइड का ऑप्शन नीचे दिया गया है, क्लिक कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को हाइड करने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं दिखा दूं। यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं तीन वीडियो, तो मुझे एक वीडियो का हाइड करना है यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो के सामने दिया गया तीन डॉट, उसे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम रीनेम करते हैं। रीनेम करने का तरीका थोड़ा अलग है, हमें सबसे पहले डॉट लिखना पड़ेगा, डॉट लिखा मैंने और ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं तीन वीडियो से दो वीडियो हो चुके हैं, तो पुनः हमें वापस लाना पड़ेगा उस वीडियो को। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेटिंग में। सेटिंग में जाकर हम करेंगे क्या, लिस्ट में जाएंगे, उसके बाद देखेंगे सो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, ये रहा ऑप्शन, उसको हम अलाउ कर देते हैं। तो देखते हैं हमारा जो वीडियो है वापस आ चुका है। तो दोस्तों, इसको करने के बाद हमें फिर से रीनेम करना पड़ेगा, नहीं तो आगे से ये फंक्शन नहीं काम करेगा। तो मैं रीनेम कर देता हूँ, ओके, और आप भी कर सकते हैं। चौथा हिडन फीचर्स है, उसका नाम है किड लॉक। अगर दोस्तों आप कोई मूवी देख रहे हैं और आपके पास में कोई छोटा बच्चा आपको परेशान कर रहा है, बार बार अपनी उंगलियों से स्क्रीन पे टच कर रहा है, तो क्या करेंगे? तो मेरे हिसाब से बच्चे को भी खुश कीजिए और कंटिन्यू मूवी भी देख सकते हैं। कैसे? तो मैं दिखा दूं डेमो करके। मैंने प्ले किया एक वीडियो, जैसे ये रहा, उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ से थ्री डॉट डॉट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे डिस्प्ले में, फिर यहाँ से सेटिंग में, यानी सबसे नीचे वाला है सेटिंग, सेटिंग में मैंने क्लिक किया, उसके बाद जाएंगे सेक्शन दिया गया है बहुत सारे, तो कंट्रोल वाले सेक्शन में जाएंगे, फिर उसके बाद दिया गया है दूसरे नंबर पर लॉक मोड, ये रहा, उस पर हम क्लिक करेंगे, ये रहा। उसके बाद तीसरा नंबर जो दिया है किड्स लॉक्स प्लस टच इफेक्ट, इसको हम अप्लाई कर देंगे और यहाँ से निकल लेते हैं। तो इसको हम लॉक करके दिखा दूँ, यहाँ से लॉक किया मैंने, तो आप देख सकते हैं मान लीजिए कोई बच्चा टच कर रहा है तो तरह तरह के फिगर बनते रहेंगे, तो आप कंटिन्यू मूवी देख सकते हैं और बच्चा भी खुश रह सकता है। अगर आप यहां से निकलना चाहते हैं तो सिंपली आपको चारों कॉर्नर पर टच करना होगा क्लॉकवाइज, जैसे मैं करके दिखा रहा हूं, ये 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 अनलॉक हो गया, तो कर सकते हैं। पांचवें हिडन फीचर्स को मैं अप्लाई करके दिखा दूं। सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा सेटिंग में, उसके बाद हम चलेंगे प्लेयर में,
आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो मैं स्पेशल को सिर्फ देखूंगा। थीम जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, उस पुराने थीम को बदल सकते हैं। तो स्टाइल चलते हैं, स्टाइल में आप मिलेंगे बहुत सारे कस्टमाइजेशन को ऑप्शन, तो कर सकते हैं इन्वर्स करते हैं इसको हम, फ्रेम लगा सकते हैं यानी बॉर्डर लगा सकते हैं, यानी स्क्रीन के चारों तरफ जो बॉर्डर है उसको लगा सकते हैं। कंट्रोल का कलर जो है चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ओके। उसके बाद प्रोग्रेस बार दिया गया है फ्लैट, तो मैं इसको मटेरियल कर देता हूँ, जो दिखा रहता है कि मैंने कितना मूवी देखा वो दिखा रहता है एक बॉक्स में, लेकिन यहाँ पे एक लाइन दिखाएगा, ओके करते हैं। उसके बाद कंट्रोल में चलते हैं, तो मैं यहाँ पे एक क्लिक करूँगा जूम एंड पैन, मैं इसको अलाउ करता हूँ और ओके करते हैं। निकलते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ। तो मैं एक वीडियो चालू करूँगा यहाँ पर, वीडियो डर, ओके वीडियो स्टार्ट किया। भाई तुम राजवी हो, और देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मटेरियल लगाया था, जो स्पीड जो प्रोग्रेस बार था वो मटेरियल लगा दिया था, वो मटेरियल है। मैंने बॉर्डरिंग किया था, उसके बाद मैंने जूम और पैन का ऑप्शन क्लिक किया था, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार मैंने जूम कर रहा हूँ, तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। छठवें हिडन फेस को मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक वीडियो स्टार्ट करूँगा, उसके बाद हम चलेंगे थ्री डॉट पर, मैं उसको पोस्ट कर देता हूँ, थ्री डॉट पर क्लिक करूँगा, उसके बाद डिस्प्ले में चलेंगे, फिर यहाँ से सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो स्क्रीन वाले पर मैंने क्लिक किया, तो स्क्रीन में दिया गया है ढेर सारा ऑप्शन नीचे स्लाइड करने पर। डिस्प्ले बैटरी क्लॉक इन द बार, यानी बार में आपका बैटरी परसेंटेज और क्लॉक दिखा रहा होगा, इसको अलाउ करते हैं। सो रिमेविंग टाइम यानी रिमेविंग टाइम दिखाएगा। निकलते हैं यहाँ से, अब देख लेते हैं, ओके दिखा रहा है, मैं इसको प्ले करूँगा, और रिमेविंग टाइम दिखा रहा है, क्लॉक दिखा रहा है, बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है 44%, ओके। तो कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि आप कोई ट्यूटोरियल देख रहे होते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई वीडियो देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, या फिर इस टॉपिक को मुझे फिर से पढ़ देखना चाहिए या फिर स्लो मोशन में देखना चाहिए, तो आप इस सातवें नंबर के हिडन फीचर्स को अपना सकते हैं। तो मैं दिखा दूँ यहाँ पर डेमो करके, जैसे मैंने ये वीडियो चलाया, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर मैं वॉल्यूम तेज करता हूँ पहले, इसमें आपको करना क्या है, स्लो मोशन में देखना है दोस्तों। तो दोनों उंगली से राइट और लेफ्ट साइड में दोनों उंगली से नीचे की ओर स्लाइड करेंगे, दोनों एक साथ हो, तो मैं दिखा दूं, तो आप सुन सकते हैं वॉइस। अगर आप इसे फास्ट करना चाहते हैं तो उसका अपोजिट करेंगे, यानी कि दोनों उंगलियों से अप स्लाइड करेंगे, तो मैं दिखा दूं। ये जो फास्ट करने के लिए आप कोई मूवी देख रहे होते हैं उसमें गाना आ गया, उसको भगाने के लिए काम नहीं ला सकते हैं, तो कर सकते हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए आप कोई मूवी डाउनलोड करते हैं और वो मूवी जो है इंग्लिश में निकलती है, तो आप उसे हिंदी में कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले जाएंगे आप मोबाइल के ब्राउजर में, फिर वहां से उस मूवी का हिंदी ऑडियो डाउनलोड करेंगे, और वो जो डाउनलोड होगा वो आपके मेमोरी में सेव होगा। तो आप किस प्रकार इस मूवी पर यानी कि इंग्लिश मूवी पर किस प्रकार उस हिंदी ऑडियो को हिट करेंगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, तो जाएंगे हम अपने थ्री डॉट पर जो कॉर्नर में दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑडियो में जाएंगे, फिर वहां से ओपन में जाएंगे। तो ओपन में जाने के बाद देख सकते हैं जो हमारी मेमोरी कार्ड है, एक्सटर्नल इंटरनल जो भी है, वहां पर आ चुकी है। तो मैं मेरे पास जो है एक गाना बजा के मैं दिखाऊंगा, मेरे पास तो कोई मूवी नहीं या फिर उसकी जो हिंदी ऑडियो है वो नहीं है, तो मैं एक गाना यहाँ पर बजा के दिखा दूँ। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने मेमोरी में, तो कैसे आप फिट करेंगे तो सिर्फ ये देखिएगा, बीट साउंड प्ले करते हैं, तो देख सकते हैं किस प्रकार ये जो है ऑडियो फिट हो गया है। कर सकते हैं नवे हिडन फीचर्स के अप्लाई करने से आप एमएक्स प्लेयर को म्यूजिक प्लेयर भी बना सकते हैं। कैसे? तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फोल्डर सिर्फ 5 दिखा रहा है, तो मैं दिखा दूं। सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा सेटिंग में, फिर उसके बाद जाएंगे हम ऑडियो में, फिर यहां से सबसे ऊपर जो है ऑडियो प्लेयर के उसे हम अलाउ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं म्यूजिक जो हमारे जितने भी फोल्डर हैं यहां पर आ चुके हैं, तो मैं प्ले करके दिखा दूं यहां पर इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग, और यहां से इसको कोई भी, तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, ओके कर सकते हैं।
दसवें हिडन फीचर्स में मिलेगा आपको ऑनलाइन सबटाइटल्स। मेरा मतलब ये है कि अगर कोई आप मूवी डाउनलोड करते हैं और वो इंग्लिश में है और आप चाहते हैं कि वो जो इंग्लिश है उस मूवी का हिंदी में लिखा हुआ नीचे आए, तो इसके लिए सबसे पहले एक मैं डेमो करके दिखा दूँ। जैसे मेरे पास एक मूवी अवतार, वो हिंदी में है तो मैं इंग्लिश में करके दिखा दूँ यहाँ पर। तो मैं इसे प्ले करनाऊँगा पहले, और प्ले करूँगा फिर उसके बाद हमें जाना कहाँ होगा, थ्री डॉट पर, उसके बाद सबटाइटल्स, फिर वहाँ से हम जाएंगे ऑनलाइन सबटाइटल्स, उसके बाद सर्च पर, और यहाँ पर जो है इंग्लिश में, जो कि फ़िलहाल में मेरी मूवी हिंदी में है तो हम इंग्लिश में सबटाइटल डाउनलोड करेंगे। कैसे, तो मैं दिखा दूँ यहाँ पर, इंटर योर सर्च टेक्स्ट, इसको हम ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद करेक्ट मूवी का नाम लिखेंगे, तो मैं रीनेम करूँगा इसे यहाँ से, ओके, ये रीनेम किया मैंने और डन किया। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ सजेशन आ गए, अवतार 2009, तो मैं पहले वाला का सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे आ गए हैं लैंग्वेज, सॉरी जो इंग्लिश दिए गए हैं, बहुत सारे साइटें से आ चुकी हैं, तो आप किसी भी डाउनलोड करके लगा सकते हैं। तो मैं एक को दिखा दूँ यहाँ पर, अवतार, जैसे कि मैंने इसको किया और डाउनलोड कर दिया और ओके। तो मैं अब प्ले करके दिखा दूँ यहाँ पर, सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया, फिर मैं प्ले करता हूँ, उसके बाद दिखा दूँ मैं, नीचे लिखा हुआ आ रहा है इंग्लिश में और मूवी जो है हमारी हिंदी में है, तो देख सकते हैं। अगर आप मूवी जो है इंग्लिश में है तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा कि आप किस एप्लीकेशन का पोस्टमार्टम देखना चाहते हैं, मीन्स उसका हिडन फीचर्स देखना चाहते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।